हेलो दोस्तों, आज मैं खेसारी लाल के गाने के जैसा पोस्टर आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप भी पोस्टर बना सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर इस तरह का आपको पोस्टर बनाना सीखना चाहते हैं खेसारी लाल के जैसा, तो देखिए, ये गाना आज ही रिलीज हुआ है, तो इसका मैं पोस्टर आपको बनाकर दिखाऊंगा सेम इसके ही जैसा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको सब डिलीट कर देते हैं यहाँ से। देखिए, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे पिक्सल लैब में आपको देखिए, हम यहाँ पे इसको एक बार दिखा देते हैं। देखिए पिक्सल लैब में, ये देखिए मैं यहाँ पे एडिट करके रखा है। तो देखिए, ये सब मतलब ये सब अलग अलग है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं जो पोस्टर है वो ऐसा ही मैं लिया है। तो देखिए, इस तरह से आप पोस्टर बनाएंगे, किस तरह से अपना इस तरह का पोस्टर बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए इस जो खेसारी लाल का फोटो है वो हम हटा दिए यहाँ से। देखिए, अभी यहाँ पे अपना एक फ़ोटो ले लेना है यहाँ से। देखिए इस तरह से, पहले अपना कोई एक फ़ोटो ले लेना है। तो देखिए, हम यहाँ से अपना एक कोई फ़ोटो लेता हूँ। चलिए, ये वाला फ़ोटो हम ले लेते हैं यहाँ से। तो ये वाला फ़ोटो हम इसको यहाँ पे करके यहाँ साइड में इस तरह यहाँ पे आपको लगा देना है अपना फ़ोटो। इस तरह से यहाँ पे फ़ोटो लगा देना एक। और यहाँ पे ये वाला जो एक्ट्रेस का फ़ोटो है, ये वाला, तो ये वाला एक्ट्रेस का ही फ़ोटो रहने देना चाहिए, तो इसी पोस्टर को रहने दीजिए फ़ोटो को। अगर आपके पास नहीं रहेगा तो इस फ़ोटो का भी मतलब PNG आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये वाला जो पत्तल का है, मतलब आपका सॉन्ग कुछ भी रह सकता है, दूसरा भी नाम रह सकता है, इसको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये जो इसका अंदर जो स्टिकर लगा है, इसका PNG आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो ये फंट आप इस तरह से कैसे लिखेंगे तो मैं वो आपको बता देता है। तो देखिए, ये वाला जो आप हम फंट यहाँ पे लिखे हैं, तो किसको किस तरह से यहाँ पे लिख कर यहाँ पे कॉपी करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता है। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे यूनिक कोड पैड में जाएंगे। तो देखिए, यूनिक कोड पैड में तो आपके पास ये फंट रहेगा, तो कोई बात नहीं, आप इसे, और नहीं रहेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, तो आप उसे देखकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए, हम यहाँ से उस फंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, हम यहाँ नीचे से जाएंगे इसमें। ये वाला फंट है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पे फंट सेलेक्ट, देखिए हम यहाँ पे खेसारी लाल यादव का नाम लिख कर रखे हैं पहले से, तो हम इसको कट कर देते हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद से देखिए, यहाँ पे जो भी आपका एल्बम का नाम रहेगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे देखिए लिख देते हैं जो गाना खेसारी के गाने का नाम है, तो देख लिए, यहाँ पे लिख दीजिए पत्तल पत्तल। तो यहाँ पे पत्तल चलाओ के पड़ी, तो ऐसा लिखना है। तो देखिए, इसमें आपको एक एक अक्षर ढूंढ के लिख लेना है पहले। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिख कर आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आप भी अपने एल्बम का नाम लिख सकते हैं और यहाँ से स्पेस दे सकते हैं इसमें। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, पत्तल चला पड़ी, इस तरह से हमने इसको कॉपी कर लिया। तो देखिए, इस तरह से इसको पूरा कॉपी कर लेना है यहाँ से। इस तरह कॉपी करके फिर पिक्सल लैब में चले जाना है। पिक्सल लैब में तो ये देखिए, हम यहाँ पे पेस्ट करके रखे हैं सब, तो इसको पूरा डिलीट कर देते हैं पहले। देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ से हम डिलीट कर दिए इसको, ठीक है।
अब हम इसको ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने बाद यहाँ से ओके कर दिए। ओके करने बाद देखिए दोस्तों यहाँ नीचे आएंगे तो फंड वाला ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको फंड सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाला फंड है तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे फंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो फंड सेलेक्ट करने बाद देखिए यहाँ पे इस तरह फंड आया, तो इसको आपको यहाँ पे यहाँ नीचे देखिए स्टॉक दे देना है आपको। तो पहले यहाँ पे स्टॉक दे दिए और इसको थोड़ा स्टॉक को थोड़ा बढ़ा देंगे, इतना इस तरह बढ़ा देंगे। उसके बाद से देखिए आपको सबको अलग अलग कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे इसको 3 बार। तो देखिए इस तरह कॉपी कर लिए। अब हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ से कट करके सिर्फ ये वाला पत्तल जो लिखा है तो इसको यहाँ से इतना कट कर लेंगे। कट करके यहाँ से ओके कर देंगे। और उसके बाद से ये वाला नीचे जो तो कट कर लें, तो फिर इसके बाद से इसको कट करेंगे यहाँ से, और ये वाला है और इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। तो देखिए इतना इसको कट कर दिए। इतना कट कर देने के बाद से देखिए नीचे जो है तो इसको यहाँ से यहाँ तक कट कर देंगे इस तरह से। तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे और फिर वहाँ से ओके कर देंगे। तो इस तरह से तो देखिए एल्बम का नाम थोड़ा गलत लिख दिए हैं, तो पत्तल चलाओ की पड़ा था ऐसा तो नाम है खेसारी, तो मैं यहाँ पे लिख दिए। तो इसको हम थोड़ा यहाँ से कट करके यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिए पड़ा था। इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। देखिए ये हो गया। तब अभी आप इसको हम कलर करेंगे, जो जिस सेम उसकी जैसा कलर करें, जिस तरह इस पोस्टर में आप देखें केसारी लाल का, तो उस तरह हम सेम आपको कलर करके दिखाते हैं। इसमें इसको थोड़ा साइज यहाँ से हम बड़ा कर देते हैं और यहाँ पे इसको फिट कर देते हैं और थोड़ा ऐसे तिरछा। तो देखिए यहाँ से हम इसको और फिर इसको भी थोड़ा ऐसे तिरछा कर लेना है और इसका भी थोड़ा साइज हम इसको बढ़ा देते हैं। देखिए इस तरह से इसका भी साइज हम बढ़ा के यहाँ पे इसके नीचे कर दिया। अब इसके बाद ये वाला जो फंट है इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा और इसको यहाँ पे भी नीचे कर देते हैं इस तरह से। देखिए और इसका भी थोड़ा साइज बढ़ा कर देते हैं। अब देखिए अब इसको हम अब कलर कर देते हैं, देखिए उसके जैसा सेम। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन रहता है, एक कलर का और एक ग्रेडिएंट कलर। तो इसके ऊपर आप नीचे क्लिक करके यहाँ से ओके कर लीजिए। तो देखिए हरा और वाइट कलर कैसे इसमें ऐड करेंगे, तो देखिए प्लस वाला आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखिए आपके पास ये वाला हम समझ लिए इसको। तो यहाँ से देखिए इसमें आपको दो ऑप्शन मिलता है। तो देखिए इसमें एक जो ए प्लस वाला जो है इस पे आप क्या करिए, पहले यहाँ पे वाइट कलर सेव कर लीजिए और उसके बाद से दूसरा वाला जो है उस पे हरा कलर का सेव कर लेंगे। तो इस तरह से आपको दो तरह से कलर दिखाएगा। तो देखिए इसमें दो तरह वाइट और हरा कलर दिखा रहा है। उसके बाद से जो नीचे वाला फंट है तो इसके में भी हम कलर कर देते हैं, इसको भी सेम वैसा ही कलर करना है और इसमें येल्लो कलर और वाइट कलर आपको ऐड कर देना है। तो इस तरह से अभी नीचे वाला में भी ऐसा ही कलर ऐड कर लेना है। तो इस तरह से आप तो आपको इसमें जो यहाँ पे जो सौर खेसारी लाल लिखा है तो ये भी आप अपना ना यहाँ से देखिए इस तरह से हम इसको कॉपी। तो कट कर दिए हैं। तो देखिए इस तरह से खेसारी लाल ये अपना जो अपना नाम है तो यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसी फॉन्ट में आप यहाँ पे जाएंगे और इसको हम यहाँ से कट कर दिए और यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो खेसारी लाल लिखा है तो यहाँ पे अपना नाम शॉर्ट में अपना नाम जो भी आपका नाम रहे वो आप यहाँ पे या सिंगर का नाम जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे
गोलू राज, तो यहाँ पे लिख देते हैं गोलू राज। तो यहाँ पे इस नाम सिंगर का नाम यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे फिर यहाँ इसमें तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से तो इस तरह से ये तो हो गया। अगर आपने इसमें इस तरह से इसमें भी कलर आप दे सकते हैं इस तरह से, तो देखिए मैं आपको कलर करके दिखा देता हूँ इसमें भी इस तरह। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे क्लिक इतना देखिए इस तरह से नीचे से इस लाइन पर क्लिक करके और लाल वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए और फिर यहाँ नीचे से आके इसके ऊपर सेलेक्ट करके काला वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे सौर अपना जो सौर नेम लिख सकते हैं नीचे, और नीचे आपको संगीत या गीतकार जिसका भी नाम लिखना है उस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए इसमें लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा देते हैं। यहाँ से संगीत, संगीत जो भी जिसका भी मतलब संगीत रहे उसका नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं संगीत, यहाँ पे दिनेश दीवाना लिख देते हैं, दिनेश दीवाना ये हम संगीत दिनेश दीवाना, और गीत जिसका गीत रहेगा उसका नाम लिख दीजिए। गीत यहाँ कुछ भी जो भी आपका सिंगर का या गीत का जिसका भी नाम जो रहे वो आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस तरह से लिखकर इस फंड को भी आप इस फंड में डायरेक्ट इस पिक्सल लैब के फंड से भी इसको ऐड कर सकते हैं। इसको यहाँ से साइज छोटा कर लेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे इस तरह से ऐड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ऐड करके आपको नीचे आएंगे तो ये वाला इस क्लिक करके इसको सेंटर में कर लेंगे इस तरह से देखिए। और इसमें भी आप कलर कर सकते हैं, देखिए आसानी से सबको अलग अलग कलर कर सकते हैं एक साथ। तो यहाँ पे देखिए संगीत को हम यहाँ पे रेट कर देंगे इस तरह से, यहाँ जो गीत का नाम है वो उसको भी थोड़ा रेट कर देंगे, और ये जो बाकी है इसको काला, तो कलर है काला कलर है तो फिर इसको काला कलर ही कर देते हैं देखिए यहाँ से। और फिर इसके इस थोड़ा स्टॉक दे देंगे इसमें, तो इसमें व्हाइट स्टॉक सफ़ेद दे देंगे, थोड़ा कम कर देंगे इस तरह से। आपको यहाँ पे इस तरह इसका आपका जो भी चैनल का नाम रहा वो भी चैनल का आप नाम लिख सकते हैं। देखिए मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख देता है इस तरह से, तो यहाँ पे चैनल का नाम अपना लिख देता है पावर फिल्म्स। पावर फिल्म्स प्रोडक्शन मेरे जो दूसरा चैनल है उसका नाम है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए इस तरह से नाम लिखने के बाद से यहाँ पे आप फंड सेलेक्ट कर लेना है जो फंड आपको अच्छा लगे। तो देखिए हम यहाँ से कोई भी एक फंड ये वाला फंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में आएंगे, उसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से कोई दूसरा एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इसमें जो आपको बैकग्राउंड अच्छा लगता है होगा तो बैकग्राउंड आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहां से बैकग्राउंड सेलेक्ट करने बाद से इसको जो फ़ॉन्ट का कलर है वो उसको हम थोड़ा चेंज कर देंगे, तो यहां पे ब्लैक लिख देंगे और यहां से स्ट्रोक दे देंगे। देखिए यहां से वाइट कलर का स्ट्रोक देंगे इस तरह से। तो यहां बैकग्राउंड में आएंगे, तो देखिए इस बैकग्राउंड में आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। इसको थोड़ा बढ़ाकर दो दो चार पॉइंट तक बढ़ाकर नीचे ऊपर राइट और लेफ्ट का चार बढ़ाकर यहाँ से रेडियस 6 तक कर देंगे। इस तरह से रेडियस कर लेंगे और यहाँ पे आके लाके इसको ऐड कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे लाके ऐड कर लेंगे। जो भी आपका चैनल का लोगो रहेगा वो आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए मैं अपने चैनल का लोगो यहाँ पे जो मेरे चैनल का लोगो है
तो मेरे चैनल का जो लोग है मैं वहाँ पे ऐड कर लेता है। देखिए देखिए इसमें है रवि, देखिए मेरे चैनल का लोगो है, मैं इसको यहाँ से ऐड कर, देखिए इस तरह से इसको यहाँ पे ले लेंगे और इस तरह से यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो आइडियो सॉन्ग का यहाँ पे आपको आइडियो सॉन्ग लिखना है तो इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, नहीं तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। कुछ को कोई भी मतलब PNG नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, आप खुद अपने पिक्सल लैब में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से हम लिख देते हैं आइडियो सॉन्ग, आइडियो सॉन्ग यहाँ पे लिख दिया हम इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ से, देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। अब इसका बैकग्राउंड में हम कैसे लगाएंगे तो देखिए वो भी मैं आपको दिखा देता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे बीच वाला ऑप्शन पे तो यहाँ पे स्टिकर का मतलब बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो देखिए ये वाला स्टिकर हम यहाँ पे ले लेंगे। ये वाला स्टिकर को हम यहाँ से इस तरह से ले लेंगे और इसको हम यहाँ से ओके करके, और ये ग्रुप वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके देखिए इस तरह से हमको यहाँ पे इतना कट करके ले लेना है। देखिए इस तरह से इतना कट करके ले लिए, इतना कट करके लेके यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ इसके सामने यहाँ पे लगा से देंगे। यहाँ लगाने के बाद से देखिए आपको क्या करना है, ये जो कलर वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ऑन कर देंगे तो इस तरह कलर हो जाएगा। इसमें जो आपको कलर लगे अच्छा वो कलर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्लिक करके ये ऑडियो सॉन्ग को यहाँ से प्रेस करके यहाँ ऊपर कर लेना है और उसके बाद से इसको हम कलर दे देंगे। देखिए इस तरह से, तो जो इसमें कलर देंगे हम वो वाइट कर देंगे इस तरह से, और इसका थोड़ा साइज हम बड़ा कर देंगे इस तरह से, फॉन्ट का थोड़ा साइज बड़ा कर देंगे। इस तरह से फंड का साइज बढ़ाकर इसको फंड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप आइडियो सॉन्ग यहाँ लिख सकते हैं और इस तरह से पोस्टर आप बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।